नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपको लिए न्यू डिज़ाइन लेके आए हैं जो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। पहले आप स्टेयर देख लीजिए। फर्स्ट में आप स्टेयर जैसे इंटर करेंगे तो ये आपको बाउंड्री मिल रहा है। जो बाउंड्री होता है वह मिल रहा है। इसमें दो पिलर है और सिंपल सा इसमें ग्रिल दिया गया है। इसके बाद हम अंदर इंटर करेंगे। उसके बाद फ्रंट का हम घर का फ्रंट एलिवेशन करेंगे। पहले आप बाउंड्री से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। सिंपल ही डिज़ाइन है कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। ग्रिल का भी सिंपल सा डिज़ाइन आप देख रहे हैं और सिंपल डिज़ाइन है। आपको कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहा है। जो फ्लावर्स देख रहे हैं वह घर की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। इंटर करते हैं। उसके बाद फर्स्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे आपका। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे तीन बिट बनाया गया है। जिस विंडो आप देख रहे हैं सामने, इसमें तीन बिट बनाया गया है। इसमें फ्रंट में इसमें भी एक सिंपल सा ग्रिल लगा दिया गया है ताकि दिखने में अच्छा लगे। इसके बाद हम चलते हैं फ्रंट की बीच का जो पोटो को डिज़ाइन बोलते हैं, जो आप इसे फोटो को डिजाइन ही बोल सकते हैं। इसमें दो पिलर देके बनाया जाता है आगे से। इसमें देख लीजिए नीचे स्टेयर, और इसमें स्टेयर में जो है आपको टाइल्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेयर है नीचे, इसमें भी टाइल लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। और फोटो को डिजाइन उसमें भी टाइल पूरा एकदम ज़मीन में लगा हुआ है। डिजाइन सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। चलिए कुछ बाउंड्री की ओर भी देख लेते हैं। बाउंड्री में भी देख लीजिए वाल का ही जुड़ाई किया गया है, लेकिन बीच में आपको पिलर डेढ़ डेढ़ फुट पिलर बीच में निकला हुआ सा है। और इसमें डेढ़ फुट का आर्च डिजाइन है, और इसमें बीच में डेढ़ फुट का आर्च डिजाइन है। और यह बाउंड्री का पिलर है। बाउंड्री भी सिंपल ही है लेकिन बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया बाउंड्री में भी। इसीलिए सिंपल ही डिजाइन बनाया लेकिन अच्छे और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाए ताकि दिखने में अच्छा लगे। यानी कि देख रहे हैं आप चारों तरफ से बाउंड्री का कुछ दिखाई दे रहा है डिजाइन, जो बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसीलिए आप घर में सिंपल सा ही डिजाइन दे लेकिन अच्छे से डिजाइन दे ताकि आपका घर का लुक बढ़े और आपका जो घर में आप बजट लगाए हैं, लाखों करोड़ों खर्च किए हैं, वह आपको खर्च करने के बाद आप सोचना हो। इसीलिए आप जब भी अपने घर को देखें तो देखने बहुत ही अच्छा और सुंदर लगे। इस घर में आप देख रहे हैं दो पिलर जो सामने हैं, यही इस घर के लुक को बढ़ा रहा है। जो दो पिलर है इसमें चार ऊपर से आप देख रहे हैं, चार इसमें बीट बनाया गया है। इसमें चार बीट और उसके बीट के ऊपर से आर्च डिज़ाइन दिया गया है। और उसके बाद इसका छत का ढलाई किया गया है, और छत के ढलाई के ऊपर देख रही है ये अभी एकदम वाल का ही रेलिंग दिया गया है, जो पैरावाट वाल बोलते हैं। यह वाल का ही जुड़ाई करके उस पर डिज़ाइन बनाया गया है। और उसके ऊपर दो पिलर दिया गया है, और पिलर के ऊपर से आप देख रहे हैं फिर से आर्च डिज़ाइन दिया गया है, और आर्च डिज़ाइन के ऊपर से फिर देख रहे हैं तिरछा टाइप का डिज़ाइन है, और दोनों साइड से भी आर्च डिज़ाइन है। और उसके बाद यानी कि फिर छोटा सा एकदम बैठने के लिए भी एकदम टेबल की तरह बनाया गया है। उसमें भी टाइल्स लगाया गया है, और उसके ऊपर से भी आर्च डिज़ाइन दिया गया है जो घर के लुक को और बढ़ा रहा है। और यह स्टेयर जो नीचे देखिए इस समय टाइल्स इस समय लगाया गया है। और सामने जो दो पिलर है इसका चौड़ाई आप जानना चाहते हैं, यह दो पिलर है, यह 6x6x10 का पिलर है। यानी कि आगे फ्रंट पे दो पिलर है, पतला ही पिलर है, 6x10 का ही पिलर है। देखिए दोस्तों, अगर आप कितना भी महंगा घर बना लेते हैं उसमें अगर डिजाइन आप नहीं देते तो क्या आपका घर देखने में अच्छा लगेगा? तो आपको इसीलिए सिंपल सा ही डिजाइन दे लेकिन घर में डिजाइन जरूर दे। सिंपल मान लीजिए इतना अच्छा डिजाइन आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा लो बजट का ही डिजाइन दीजिए ताकि आपका घर का आउटपुट और लुक दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे देख लीजिए आपको सामने में, जैसे आप दो पिलर के अंदर इंटर करते हैं आपका फिर से एक मेन डोर में आपका आर्च डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। इसका ग्रिल का भी दोनों साइड से देखिए कितना अच्छा डिजाइनिंग किया गया है। और इस घर के स्टेयर का बात किया जाए तो स्टेयर भी आप देख रहे हैं कितना अच्छे से डिजाइनिंग है इसका, स्टील का रेलिंग, और इसका डिजाइनिंग कितना अच्छा से किया गया है। और स्टेयर के सामने से भी एक रास्ता छोड़ा गया है, और इस रास्ते का हाइट है 6.5 फीट छोड़ा गया है, इसलिए ताकि इसमें है जाने में कोई दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 6.5 फीट पर इसका ढलाई किया गया है स्टेयर का। उसके ऊपर जो है यानी छत तक गया है, यानी स्टेयर का भी नीचे देख लीजिए एकदम ज़मीनी उमीन पूरा टोटल फिनिशिंग किया गया है। और इसका जो दरवाज़ा है यह भी आपको कितना अच्छा डिजाइनिंग में दिख रहा है। और इसका कलर की बात करें तो कलर भी आप एकदम देखिए एकदम इतना अच्छा से कलर किया गया है ताकि एकदम घर का आउटपुट और लुक एकदम। और इसमें देख लीजिए सीढ़ी के ऊपर जो है हल्का हल्का निकला हुआ सा लग रहा है, या स्कर्टिंग इसे बोलते हैं, इसे आप स्कर्टिंग भी बोल सकते हैं। यह डिज़ाइन दिया गया है इसमें, और यह डिज़ाइन जो है जो स्कर्टिंग का बोल रहे हैं इसमें जो है यह टाई को काट कर लगाया गया है।
और जो सीढ़ी का राइजर के धाप में भी देख रहे हैं इसमें भी टाई लगाया गया है। जो आप राइजर में देख रहे हैं इसमें भी टाई लगाया गया है। और स्टील का रेलिंग है इसमें, देख लीजिए स्टील का रेलिंग है। और ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर जो सीढ़ी के आउटसाइड बैक साइड होता है उसमें भी आप देख लीजिए, यानी कि उसमें भी एक रेलिंग दिया गया है। उसमें भी मान लीजिए विंडो टाइप का आप छोड़ते हैं उसमें भी स्टील लगाया गया है ताकि घर का आउटपुट और भी अच्छा दिखने में लग रहा है। यह छोड़ा गया इसलिए ताकि रोशनी अंदर घर में आए। तो वीडियो समाप्त करने से पहले जान लीजिए, भाई का नाम मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं घर नंबर 1। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाल बटन है उसको जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी तरह हम आपके लिए न्यू डिज़ाइन का डिज़ाइन लाते रहें ताकि आपको घर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और जो यह बाहर की ओर दिखाई दे रहा है घर सब, यह स्टेयर के ऊपर से दिखाई दे रहा है। जो स्टेयर के ऊपर आप वॉल का जुड़ाई कर देते हैं, यह जुड़ाई इसमें नहीं किया गया है, यानी कि ऊपर 4 फुट तक लगभग इसको पूरा खाली जगह छोड़ा गया है। उसके ऊपर से इसका लिंटर आर्च डिज़ाइन दिया गया है।